हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो कि मैच खेला जाएगा, और ये मतलब कि ऑस्ट्रेलिया वनडे कप का मतलब कि फोर्थ मैच खेला जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट के लिए स्मॉल लीग के लिए सही मैचेस रहते। आपने भी एक चीज़ नोटिस किया कि ऐसे मैचेस आप स्मॉल लीग इजिली विन करते हो, साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए भी अच्छे मैचेस रहते। तो सबसे पहले बात करते दोनों टीम्स की तरफ से, क्योंकि मैचेस अच्छे रहेंगे तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी ही चाहिए। तो सबसे पहले बात करते दोनों टीम्स की तरफ से प्लेइंग, कौन से प्लेयर खेलेंगे और कौन से प्लेयर का कैसा मतलब स्टेट्स है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते दोनों टीमों की तरफ से प्लेइंग 11 से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन दोस्तों, उससे भी इंपॉर्टेंट बात, इस मैच का डेडलाइन हम आपको बता रहे थे। इस मैच का डेडलाइन है सुबह 7:00 यहाँ पे 35 मिनट पे मैच स्टार्ट हो जाएगा, वही लोकल टाइम इनका 10:05। तो हमें मतलब कि अपने इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मतलब रखना है, 7:35 पे इंडिया के हिसाब से टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये भी टॉस होगा 7:05 पे टॉस होगा, हो सकता है थोड़ा सा पहले भी टॉस हो जाए क्योंकि ऐसे मैच का लाइनअप पहले ही आ जाता है। तो जो फाइनल टीम रहेगी आपको डेडलाइन से 15 मिनट पहले आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देगी। तो रियल टेलीग्राम जूस ज्वाइन करिए, जहाँ पर ऑलरेडी आपको 10,400 आपको करंटली सब्सक्राइब आपको देखने को लिए। तो टेलीग्राम जूस ज्वाइन कर लीजिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आ जाओ या फिर कमेंट बॉक्स के लिंक से आ जाओ। तो रियल टेलीग्राम जूस ज्वाइन कर लीजिएगा। सपोज करो आपको कमेंट बॉक्स के लिंक से ज्वाइन करते, सीधा कमेंट बॉक्स लिंक ओपन करो, पहला लिंक पिन मिलेगा उस पर क्लिक करना और रियल टेलीग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो टेलीग्राम जूस ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर 10,400+ कुछ आपको देखने को लिए। तो टेलीग्राम जूस ज्वाइन कर लीजिए, जो भी न्यू जर्स है प्लीज आप हमारा ऑफिशियल रियल टेलीग्राम जूस ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर 10,400 सब्सक्राइब देखने को मिलेगा। तो रियल टेलीग्राम जूस ज्वाइन कर लीजिएगा, सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से या फिर कमेंट बॉक्स लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। बट रियल टेलीग्राम जूस ज्वाइन कर लीजिएगा फाइनल टीम टिप्स के, जो भी मैच के लिए अपडेट्स चाहिए सबसे पहले वो टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो रियल टेलीग्राम जूस ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, फायदा ही रहता है कि ऐसे मैचेस पर कोई भी चेंजेस होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फो कर देता हूँ, प्लस मैं पिच रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। तो पिच रिपोर्ट्स के लिए टेलीग्राम जूस ज्वाइन कर लीजिएगा, जो फाइनल पिच रहेगी वो टेलीग्राम पर बता दूंगा। और साथ साथ अगर इस मतलब कि आप लोग कमेंट करो नीचे, तो मैं इस वीडियो में मतलब कि आपको मतलब ग्रैंड लीग की टीम्स भी प्रोवाइड करूंगा फाइनल टीम टेलीग्राम पर। ग्रैंड लीग अच्छे मैच है तो आप ग्रैंड लीग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो टेलीग्राम जूस ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते सबसे पहले हमें यहाँ से मैच डिटेल्स में बता दूँ, वेन्यू रहेगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मैच खेला जाएगा, और बता दूँ ये मैच पर्थ में खेला जाएगा। एंड बात करते दोस्तों, यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 7:35 पे स्टार्ट हो जाएगा, और मतलब इंडिया लोकल टाइम इनका 10:05 है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 3 घंटे का फर्क, डेढ़ घंटे अढ़ाई घंटे का। बात कैसे लाइव कहाँ देख सकते हो, आप लाइव देख सकते हो इनके ऑफिशियल क्रिकेट साइट पे, यानी जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट ऑफिशियल साइट है वहाँ पे लाइव देख सकते हो, जो कि cricket.com.au, जहाँ पे आप लाइव देख सकते हो इस मैच को। उसके बाद पीछे पॉइंट बता, ये मतलब पिच थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, पिच मतलब कि जो पहले मतलब कि ये जो पिच है आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में क्या होता है कि ज़्यादा बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये वाला जो पिच है वो थोड़ा सा बॉलिंग को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो हो सकता है जो प्लेयर्स मतलब जो भी मतलब कि टीम टॉस जीते पहले बॉलिंग ही करना ज़्यादा प्रेफर करेगी, तो मान के चलिए पिच थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली है लेकिन थोड़ा सा बैट्समैन ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जो कि कंसर्न रहते हैं। बात करते वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से, तो ओपन करेंगे जॉस फिलिप ओपन करेंगे, टीम से विकेट कीपिंग करेंगे सैम व्हाइटमैन के साथ ओपन करें, वन डाउन सोन मार्स खेलते नजर आएंगे, जो किस मैच के लिए आपको ट्रम्प कार्ड रहेंगे। अगर पहले बैटिंग रहते तो डेफिनेटली ट्राई करना है, ये मत सोचने कि लास्ट मैच फ्लॉप गया था, लेकिन बंदा बहुत ही कम मैच से फ्लॉप जाता है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फोर्थ नंबर पे कैमरन ग्रीन टीम से मैंने बोला भी था लास्ट मैच में दोस्तों, कैप्टन के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। और आपने एक चीज नोटिस भी किया होगा, टीम की तरफ से काफी मतलब कॉन्स्टेंट और काफी अच्छा यंगेस्ट प्लेयर है, फिर उसका एस्टर टर्नर फिर इतना बैटिंग कर लेगा, प्लस टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट ऑप्शन टीम कैप्टनसी भी कर रहा है इस बार। उसका डीआर से शॉट टीम से सीखना बैटिंग कर रहा है, अब पता नहीं डीआर से शॉट अभी सीखना बैटिंग कर रहा है, लेकिन कभी भी मतलब कि इनको ओपन कराया जा सकता है। अगर आज के बच्चे क्या होता है, अगर सैम व्हाइटमैन बाय चांस अगर नहीं खेलता है तो यहाँ पे डीआर से शॉट ओपन भी कर सकते हैं। हिल्टन क्रिएट वाइड एक अच्छा प्लेयर टीम की तरफ से, फिफ्थ बॉलर से खेलेगा, हो सकता है बॉलिंग करे इस मैच में, बट उतना चांसेस ना के बराबर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डीआर से शॉट को बॉलिंग दे देते तो कैमरन ग्रीन को दे देते, उसके स्पिन के बाद थोड़ा सा बॉलिंग मतलब कि कम हो जाते हैं। मैथ्यू खेली खेलते रह जाएंगे, उसके अलावा यहाँ पे लेंस मॉरिस और निके होमिस से कोई एक खेलेगा, उसके अलावा टीम 11th पर खेलेगा लियाम गोटे खेलते रह जाएंगे। तो दोस्तों ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्लेयर देख लीजिए, फिर बैटिंग ऑर्डर यही होना चाहिए, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मतलब कि डीआर से शॉट ओपन नहीं करता है तो आपको सीखना बैटिंग करता होना चाहिए, ये भी अपडेट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और मैं आपको हर वीडियो बोल ही देता हूँ कि सीखना बैटिंग करेगा, प्लस टेलीग्राम पे इन्फो कर ही देता हूँ। बात करते हैं यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से, एलेक्स कैरी ओपन करेंगे टीम से, जैक मदरलोड के साथ ओपन करेंगे, वन डाउन टर्वी साइड खेलते ना जब कहेंगे, उसके लिए फोर्थ में नैथन मैक्सिव जो अपना बैटिंग कर लेते हैं, एक एवरेज ऑलराउंडर टीम के सोचना कुछ टैलेंटेड नहीं है बट ठीक ठाक खेल लेता है, रियान गिब्स और टीम स्पिन बैटिंग कर लेता है, जिन्होंने मतलब कि WL लाइव देखा होगा
इसी ईयर का, तो ज़बरदस्त उसमें फॉर्म में चल रहे थे टीम की तरफ से, एक अच्छा प्लेयर है टीम से, और उसे भी ओडीडी तो बैटिंग तो आ ही जानी है उसके। नथन मैगटिव टीम से इतना बैटिंग करते, हैरी लिंसर टीम से इतना बैटिंग करें, प्लस विकेट कीपिंग, एक वैसे तो विकेट कीपर लेकिन विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, उसके बाद निक वेंटर खेलता रहा जो 8 नंबर पर, डेन्यू बॉलर 9th नंबर बैटिंग कर लेंगे, प्लस टीम के साथ अभी इनका टीम है जो इस्तेमाल नहीं कर, क्योंकि दोस्तों पहला ओवर जो पाता है, लेकिन इसके साथ जाने के बाद एक ही लॉजिक होता है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में 5 ओवर गवा देता है, जो स्टार्टिंग कर रहा था मैच से उसे 5 ओवर गवा देता, तो उसके साथ मतलब इतना विकेट नहीं मिल पाता। ब्रेंडन डगेट उसका लियोन पॉप, तो ये तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये साउथ ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए प्लेइंग विद बैटिंग ऑर्डर, एंड बात करते टॉप पिक्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से, तो सबसे पहला नाम निकल करता है टीम के कैप्टन एस्टन टर्नर, जो कि टीम की तरफ से एक अच्छा प्लेयर है, इन्होंने मतलब काफ़ी जो फॉर्म में चल रहे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और साथ ही 100 रन भी इसका स्कोर भी करके आ रहे लास्ट में, तो जबरदस्त ऑप्शन है अपने कैप्टन कैप्टन के लिए। उसका दूसरा नाम निकल करता है जॉस फिलिपिके का, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेयर टीम की तरफ से, यंगेस्ट भी है, टैलेंटेड भी है, और आप देखोगे तो मतलब कि टीम मैनेजमेंट ने चांस भी दे रही, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी रहेगी अपने टीम में जोर से ट्राई करना, क्योंकि यंगेस्ट प्लेयर टैलेंटेड भी और साथ ही साथ टिक के बंदा खेलता है, ऐसा नहीं है कि गलत शॉट खेलता, बहुत ही मतलब कि अच्छा प्लेयर है टीम की तरफ से आप मान के चलो। उसके टॉपिक से तो साउथ ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से टर्विस हेड टीम की, तो वन ऑफ द बेस्ट और मेरा फेवरेट ऑलराउंडर, आपको पता है मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरी फेवरेट है, एंड ये आज से नहीं 2 साल से पहले से बोल रहा हूँ हर एक वीडियो में कि मेरी फेवरेट है, तो जोर से ट्राई करना आपको टीम की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा। टीम की तरफ से डबल सेंचुरी स्कोर करके आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली ट्राई भी करना चाहिए। उसके दूसरा नाम निकल कर एलेक्स कैरी का, जो टीम विकेट कीपिंग करेंगे, जबरदस्त प्लेयर, बहुत ही लास्ट तक टिका रहता है, मतलब आप एक चीज नोटिस कीजिए, सबसे पहला विकेट एलेक्स कैरी का नहीं जाता है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा फैक्ट कि एलेक्स कैरी कभी भी जल्दीबाजी नहीं करते, भले 2-3 विकेट स्टार्टिंग में जाते बट एलेक्स कैरी टिक के रहते, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये जो 4 प्लेयर आपको डेफिनेट ट्राई करना है अपने स्मॉलिंग की टीम में और ग्रैंड लीग की टीम में। एंड बात करते हैं टीम से, बाकी जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किए, इस रियल टेलीग्राम ज्वाइन किया, जहाँ ऑलरेडी आपको 10,400 प्लस आपको देखने को मिलता है टेलीग्राम, जो ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड बात करते हैं सबसे पहले टीम सब सबसे सीधा सीधा देखिए, उससे पहले दोस्तों अपना गिव क्वेश्चन पूछे थे, सिंपल से नीचे क्वेश्चन आपको करना है, सिंपल से आपको ये नीचे आंसर देना है, इसमें चाहिए मैन ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर जाएगा, आपको जो भी आंसर नीचे कमेंट कर देना है, आपको नीचे लिखना है, आपको सिंपल सा काम करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक कर देना है, लाइक करना इंपॉर्टेंट आपके लिए, फिर उसके सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर, 3 काम कर लेना, उसके नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर जाएगा, आपको जो भी आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। जैसे मुझे लगता है इस मैच में टर्विस हेड मैन ऑफ द मैच, तो मेरा आंसर होता MOM इक्वल टू आपका जो भी प्लेयर लगता है, आप वो नीचे प्लेयर का नाम डाल दीजिए। जैसे मुझे लगता है टर्विस हेड, तो मेरा आंसर होता है टर्विस हेड, आपका सोन मार्स हो सकता है, कोई भी प्लेयर हो सकता है, उसका नाम आप नीचे लिख दीजिएगा विथ MOM इक्वल टू, इस तरीके से करके, या फिर इक्वल टू नहीं भी लिखोगे तो फिर भी चलेगा, आप MOM लिख के भी आप लिख सकते हो कि आपको जो भी प्लेयर लगता है स्पेस देकर। बात कर विकेट कीपर सेक्शन, तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास एलेक्स कैरी, जोस फिलिपे, सैम व्हाइटमैन, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सैम व्हाइटमैन एक ऐसा प्लेयर टीम की तरफ से, एक यंगेस्ट भी है, टैलेंटेड भी है, आपके लिए डेफिनेटली आपको ग्रैंड लीग टीम में ट्राई करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन टीम की, मत सोचना कि बंदा मतलब कि इस वजह से लास्ट में फ्लॉप गया था तो इस वजह से फ्लॉप चला जाएगा, दोस्तों अच्छा प्लेयर टीम से आपके ग्रैंड लीग का डिफरेंशियल ट्रम्प कार्ड रहेगा, तो ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के विकेट कीपर सेक्शन में मैं एलेक्स कैरी के साथ ही जा रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि कैरी क्या है ना कि ओपन कर प्लस टिक के खेलते, उसके जॉस फिलिपे को लेना कंपलसरी लिए, क्योंकि टीम से अभी के फॉर्म में आ चुका है बंदा, टीम से इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बैटिंग सेक्शन से टर्विस हेड को लूंगा, सोन मार्स मेरे इसमें ट्रम्प कार्ड रहेंगे तो मैं पिक करना चाहूंगा, उसके लिए टर्नर है, जैक वेदरलोड है आपके पास, और साथ ही साथ नीचे आओगे तो कैमरन ग्रीन है, मैं पास जाना चाहता हूँ कैमरन ग्रीन के साथ अभी इस मैच है, क्योंकि कैमरन फोन ना बैटिंग कर लेगा प्लस कुछ ओवर पा सकता है, हालांकि ओवर मैं मना करूंगा कि उतना ओवर से उम्मीद ना रखना, बट हाँ जनरली बॉलिंग कर ही लेते हर एक मैच है, तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बॉलिंग से उम्मीद ना रखें, बट बैटिंग से जोर से आप उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं अपनी टीम में ये भी कवर करना चाहूँगा, उसका जैक वेदरलोड को भी कवर कर, आप चाहे टर्नर ट्राई करो या फिर ट्राई करो यहाँ पे ट्राई करो कैमरन ग्रीन, मैं ग्रीन ज़्यादा प्रेफर करूँगा टर्नर से ज़्यादा। वो भी बात करते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर से, मिचेल मार्श है नहीं, डियर से शॉर्ट है, बट आप पिक करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों सिक्स है बैटिंग कर रहा है बस, टीम से अभी बॉलिंग भी नहीं पा रहे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं का, मैं नथन मैगडियो के साथ जो टीम से इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, टीम से अच्छा ऑलराउंडर है, टीम की तरफ से बॉलिंग ऑलराउंडर है, हालांकि मतलब कि ऐसा मतलब हमेशा कन्फर्म ओवर पाता है, लेकिन हिटिंग अच्छे कर लेते हैं, आपने WBL सॉरी BBL में भी देखा होगा कि वहाँ भी मतलब हिटिंग अच्छा कर लेता तो लास्ट में आ कहते हैं इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा टीम की तरफ से। नीचे आओगे तो अरुण हेडरियर खेलते ना, जब आपको नहीं आएगा कोई भी नीचे खेलते नहीं जाएगा, भाई हमें एक ही पास ऑप्शन है नैथन मैगडियो और नीचे एन मैक्सियो, जो टीम की तरफ से एक फोन है बैटिंग कर लेगा, ठीक ठाक प्लेयर है टीम की तरफ से, लेकिन उतना उस लेवल का प्लेयर नहीं है, लेकिन आप पिक कर सकते हो ग्रैंड लीग टीम में, ग्रैंड लीग टीम में आपको डिफरेंशियल पिक रहे, हिल्टन क्रेट वाइट को जोर से ट्राई कर लेना, ग्रैंड लीग टीम भी आपके ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि बैटिंग तो आ ही जानी है प्लस कन्फर्म मतलब कि हो सकता है ओवर पाए। उसके अलावा बात करें डेनी वॉरेल को लेना, मतलब कि मैं मना करूंगा इस वजह से लेने के, स्टार्टिंग के सारे ओवर गवा देते, तो आप
समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो विकेट गिरते नहीं है और स्टार्टिंग में सारा बॉलिंग यही कर देता है, तो इसके से मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अंदर टाई को लूँगा और साथ ही साथ मैं सबसे पहले लूँगा जैसन बेड्रॉप को ले लेता हूँ। उसके लिए आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपके पास ब्रेंडन डेक है, एल पॉप, पहले तो मैं एल पॉप को लेना चाहूँगा। एंड मेरे पास होता है 9 किट। आप किस में किस प्लेयर को चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप किस प्लेयर को चाहते हो, आप चाहे ऑलराउंडर सेक्शन से ले लो या फिर बैटिंग सेक्शन से ले लो या फिर आप मतलब ले सकते हो विकेट कीपर सेक्शन में भी सैम व्हाइटमैन है, आप किसको चाहते हो, ये 11th प्लेयर रहेगा आपके सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। अगर आप मेरी बात मानो तो थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे सैम व्हाइटमैन को ले सकते हो। आपको पता है पीछे से ऑस्ट्रेलिया के क्या होता है, थोड़ा सा बैटिंग को सपोर्ट करते हैं तो उसके साथ बैट्समैन को ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही रिस्की हो जाएगा। अगर आपको वो भी रिस्क नहीं लेना तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टर्नर के साथ जा सकते हो। टर्नर का क्या है कि मुझे उतना कुछ पसंद नहीं है, टर्नर को पिक कर सकते, लेकिन मुझे लगता है इसमें उतना ज़्यादा स्कोर करके देगा। बात करें अगर यहाँ पे रियर्स शॉट है और ऑप्शन आपके पास है ब्रेंडन डेगेट और साथ ही साथ है डैनी वॉलर, आप किसे चाहते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मतलब आपको लगता है कि स्टार्टिंग में विकेट गिरा। अगर आपको लगता है स्टार्टिंग में जोस फिलिपे का विकेट गिरेगा या फिर सोन मार्स का विकेट गिरे तो उसमें आप डैनी वॉरेल को पिक कर सकते हो, उसके साथ पिक कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है। बट मुझे लगता है सबसे बेटर ऑप्शन है कि ब्रेंडन डेगेट, जो कि मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा टीम की तरफ से। मैं अपनी टीम में कवर कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन को देखकर टीम नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर आपको एल पॉप नहीं ले लेगी, मैंने आपको प्रिफर करूँगा पिक करना कि हमने टीम में पिक भी किया था एल पॉप की जगह, आप ट्राई कर सकते हैं डैनी वॉरेल को, बट मैं आपको ज़्यादा प्रिफर करता हूँ। दूसरी थी मैं स्मॉली खेलूँगा। अगर आपको अगर नहीं लगता है कैमरा गेन की जगह अगर आपको लगता है आपको एस्टन टर्नर लेना चाहिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि टर्नर भी मतलब अच्छा प्लेयर टीम कैप्टनसी कर रहा है। बट क्या नहीं, कैमरा गेन बॉलिंग भी पा सकता है, बस टीम की तरफ से मतलब कि इनसे बैटिंग के लिए प्रमोट हो जाता है 4th विनर, तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टीम की तरफ से, फोन है बैटिंग कर लेगा प्लस कुछ ओवर भी पा सकते हैं। तो मुझे टर्नर ज़्यादा पसंद नहीं उतना जितना कि मुझे पसंद है कैमरन ग्रीन, ज़्यादा प्रेफर करूँगा। इनफैक्ट कैप्टन भी जा सकते, बात की कैप्टन का ऑप्शन तो मेरा कैप्टन फिक्स है टर्विस है, टीम से कॉन्स्टेंट बनता है मेरा फेवरेट प्लेयर भी, और साथ बॉलिंग से होप मत रखना, आप बैटिंग से होप कर सकते हो लेकिन बॉलिंग से होप मत करना। उसके अलावा वाइस कैप्टन में जॉस फिलिपे के साथ उतना रिकमेंड नहीं करता जितना कि एलिस कैरी के साथ इसमें मुझे रिकमेंड करूँगा। अगर आप चाहो तो सोन मार्स के साथ जा सकते, मैं इसमें सोन मार्स के साथ जा रहा हूँ। और अगर आपको टाई पसंद है तो टाई के साथ जा सकते हैं या फिर आपको जैसे वैंड्रॉप को ग्रैली टीम में ट्राई कर सकते हैं, और अगर ग्रैली खेलो तो जैक वेदरलोड को कैप्टन और वाइस कैप्टन कैमरन ग्रीन को, ये दो कॉम्बिनेशन जोर से अपनाने अपने ग्रैली टीम में, मैं आपको हाईली प्रेफर करूँगा। अभी मैं स्मॉली टीम खेल रहा हूँ, अभी मेरा सोन मार्स सिर्फ वाइस कैप्टन, अगर हो सकता है अगर लास्ट मिनट में चेंज भी कर सकता हूँ तो मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। आप उस चीज़ की चिंता मत करना, आपको डेडलाइन से 15 मिनट पहले पॉइंट टीम को टेलीग्राम पर पोस्ट करूँ जहाँ ऑलरेडी 10,400 प्लेयर्स सब देखने को मिलेगा। तो रियल टेलीग्राम जो से जॉइन करिए ग्रैंड लीग टीम में अच्छे मैचेस है, तो ग्रैंड लीग में जैक वेदरलोड को ट्राई कर लेना, जोस फिलिपे को ट्राई कर सकते हो, साथ ही एलेक्स कैरी आपके इसमें डिफरेंशियल ट्रम्प कार्ड रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, और कैमरन ग्रीन तो आपको सबसे स्पेशल पिक रहेगा इस मैच के लिए। तो दोस्तों ये थी मैं स्मॉली खेलूंगा। अगर आपको लगता है डगेट नहीं, आपको डैनी वॉरेल लेना है, अगर आपको ऐसा फील आए स्टार्टिंग में विकेट गिरी है तो उसके साथ पिक कर सकते हो। उसके लिए मुझे पिच रिपोर्ट देखना पड़ेगा, अगर पिच मतलब पिच का बिहेवियर अगर बॉलिंग फ्रेंडली रहता है तो उसके साथ पिक कर लेंगे डैनी वॉरेल को। तो मैं दोस्तों ये मेरी स्मॉली खेलूंगा, और आप चाहते हैं वाइस कैप्टन अपने हिसाब से, क्योंकि कैरी विकेट कीपिंग से पॉइंट्स आपको देखे जाएगा तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों ये थी मैं स्मॉली टीम जिससे स्मॉली खेलूंगा, एंड बाकी जो टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं हो सकता है मतलब सैम व्हाइटमैन के साथ जा सकता हूँ, अगर पिच वाइज बैटिंग फ्रेंडली रहेगा तो उसके समय चेंजेस कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी मैं स्मॉली टीम स्मॉली खेलूंगा, आप सेम टीम का स्क्रीनशॉट ले लो, और आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहने, आपको डेडलाइन से 15 मिनट पहले टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो रियल टेलीग्राम जो से ज्वाइन कर लिया, जो भी अपडेट्स देंगे मैच के आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले दे दूंगा। तो रियल टेलीग्राम जो से ज्वाइन कर लीजिए, अगर किसी को सर्च के करना तो सर्च के कर सकता है, वो सर्च कर सकता है फैंटेसी लैंड टीम ड्रीम, या फिर कमेंट बॉक्स से लिंक से आ सकते हैं। तो दोस्तों जोर से रियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, गिव जोर से पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। चाहिए हम दोस्तों ने माता जो भी डाउट है नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी दूसरे टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा, छोटा सा भी डाउट हो क्लियर करवा लेना, बाकी वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिएगा।